संत मेरे से विद्वान है, पर मैं कहता हूं आप इन संतों के नेतृत्व में रहो और आपके सामने कोई अंगुली नहीं कर उठा पाएगा। पर एकता रखो, किसी एक मजबूत आदमी के पीछे पार्टी मत देखो। पोखरण में कांग्रेस देखी न, तब एक संत को हराना पड़ा और रोया था मैं, मेरे को रोना पड़ा। क्यों? ये मेरे बाप के समान है, मैं इनको गुरु मानता हूं, अपनी कमजोरी अपनी है। एक घर से एक हिंदुस्तान निकल जाता तो वहां पूरा राजस्थान इकट्ठा हो जाता, और इसी सीट पे पूरे भारत में नजर थी, पूरे भारत में, पूरे भारत में देखो आप, एक यूपी थी में योगी जी की नजर थी, ऐसे राजस्थान में महाराज प्रतापपुरी जी की सीट पे नजर थी, पर अपन ने अपनी कमजोरी के कारण हरवा दिया। तो ये टाइम कम के हिसाब से समझ जाए, एक साल के बाद में आप सिकली सरकार में भी जितते हो, फिर हमारे रघुनाथ जी महाराज जी जैसे दौड़ते रहे। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। बैनर के ऊपर एक सुभाषित लिखा है, हिंदू वह सोदरा सर्वेंदा, हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र है समानता, हिंदू हिंदू में भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समान है, सब श्रेष्ठ है। एक जाजम पर बैठ करके सभी सहोदर भाई है, एकजुटता का परिचय जैसे आज दिया है वैसे ही सब जगह देना है, ऐसा ही संदेश था पूज्य महाराज जी का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, कई सज्जनों के मन में प्रश्न आता होगा कि इतना विराट हिंदू सम्मेलन करने की सीताधाम क्या आवश्यकता पड़ेगी, पड़ी। मैं मेरे भाई भोले सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो जरा मंच पे आए। सदनों इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के अवांछनीय घटनाएं कई वर्षों से घटित हो रही है, धर्म के नाम पर प्राण घातक हमले और कई हत्याएं हो रही है, व्यभिचार और दुष्कर्म के निरंतर धर्म के नाम पर घटना हो रही है, और राजनीतिक दबाव के जरिए एक विशेष संप्रदाय जो स्वयं को ऐसा आक्रामक मान करके और चारों तरफ एक अराजकता का वातावरण बना हुआ है। वर्तमान में एक ऐसी घटना इस भाई दौलत सिंह के साथ हुई, कम से कम 10 बार प्राण घातक वार हमले किए और मारने का षड्यंत्र किया गया, आज ये भाई जिंदा रह गया, संयोग से आपके सामने है। मैं पूज्य जगदीशपुरी जी महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि इन्होंने एक पुनर्जन्म प्राप्त किया है, मौत और जीवन के मध्य संघर्ष करते हुए साफा पहना करके इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय मुरली जी भाई साहब से भी निवेदन, आप भी साफा पहनाने में साथ रहे। आदरणीय मुरली जी भाई साहब से निवेदन कि आप श्रीफल बैठ रहे। जसनाथ धाम लीलसर मठ के महंत पूज्य मोरतनाथ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप हम सबका मार्गदर्शन करावे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजित परम श्रद्धे संतों धर्माचार्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सामने विराजे विराट हिंदू शक्ति, सबको मेरा आशीर्वाद। आज हम एक विशाल हिंदू सम्मेलन को देख रहे हैं। इसी देश में भी ये हालात हो रही है जहां हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। हम नहीं चाहते इस देश में सब रहे, हम तो चाहते हैं सभी इसी देश के भाई भाई हैं। पर ये बात भाई भाई आपस में, एक भाई कितनी सहनशीलता कर ले और दूसरा भाई हमेशा ऊपर चढ़ता जाए तो उसमें भाईचारा नहीं रह सकता। तो भाई साहब भगवान के नाम का काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसे एक पुनीत कार्य के अंदर ये घटना को दोहराया, निंदनीय कार्य किया। इसीलिए हम सभी संत ऐसे निंदनीय कार्य के लिए घोर निंदा करते हैं, और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हम सारे यही रहेंगे, साथ में रहेंगे। हमारे हिंदू धर्म का तो
हमेशा यही प्रेरणा रहती है कि सद्भावना हमारी सबसे बड़ा पूंजी है। पर एक तरफ से कभी कितनी भी सहनशीलता बरत लो, हमेशा कहते हैं नहीं दोनों हाथ से ताली बजती है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो ऐसे कार्य नहीं करें, और ऐसे कार्य करेंगे तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये एक हमारा संदेश है, सिर्फ हम शांति बना के रखते हुए एक संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में आपने इसी तरह की कोई घटना दोहराने की कल्पना की तो आपको इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। तो इसी शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। सिंह न तिल के मृजर मृगला न सिंहों संस्कार, निज गौरव पराक्रम सो सिंह बड़े संस्कार, सिंह बड़े संस्कार। ऐसे ही भाव थे पूज्य मोरदास जी महाराज के। आगे मैं पूज्य जगरामपुरी जी महाराज पन्नौनियों का तला मठ के और धर्मपुरी जी का ढूंढा पन्नौनियों का तला पूज्य महंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें और हम सभी का मार्गदर्शन करावें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन के अंदर इस मंच पर उपस्थित समस्त संन्यासी वृंदों के चरणों में सत्संग नमन तथा दूर दूर से हिंदू धर्म के प्रेमी भगवान राम और कृष्ण के भक्त, इस ऋषि मुनियों की पवित्र धरा के उपासक, इस विषय में श्री मोरदास महाराज ने अवगत कराया और मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही दोहराना चाहता हूँ। हिंदू एक विशाल धर्म है और सर्व संगठित धर्म है। सर्व भाव से सर्व भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया का पूरी पृथ्वी के ऊपर, भारत के अंदर ही, पूरे संसार के अंदर ही भावना रखते हैं। इन्हीं भावनाओं के अनुसार अगर कोई भी प्राणी अपना आचरण करेगा तो वो सुखी रहेगा। हमारे धर्म के अंदर दोनों बातें कव्य है, उभयोभिः समर्थो भी शास्त्रादपि समार्थ, अगर तुम्हें चत्वारो वेदः तृष्टे में चतुर्धनु उग्रतो भी शास्त्रादपि और समस्तादपि, यानी प्रेम से धर्म शास्त्र के आधार पर अगर धर्म नीति से कोई भाईचारे का व्यवहार करे तो हम उसके लिए भी तैयार है। अगर वो कोई हमारे साथ दुष्कर्म करेगा तो हम शस्त्र और शास्त्रों के माध्यम से तैयार है। नाभिषेको न संस्कार शिष्य क्रियते मृगे विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। ऐसे ही भाव थे पूज्य जगरामपुरी जी महाराज के। आगे मैं सिंदरी मठ महंत पूज्य रघुनाथ भारती जी महाराज से निवेदन करूंगा कि समय समय पर इस बॉर्डर पर अनेक इस प्रकार की घटनाएं हुई है तो महाराज जी ने सदैव हमारा पाथे मार्गदर्शन किया है। पूज्य महाराज जी को निवेदन करूंगा कि हम सबका आप मार्गदर्शन करेंगे और ऊर्जा भरेंगे। चंद्रोदभासित है घरे स्मर हरे, गंगाधरे शंकरे, सर्पैरभूषित कंठकर्ण विवरे, नेत्रोत्थ वैश्वानरे, दन्ते त्वकृत सुंदरांबरधरे, त्रैलोक्य सारे हरे, मोक्षार्थं कुरु चित्त वृत्तिमचला, मन्यस्तु किं कर्मभिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का
प्राणियों में विश्व का काशी विश्वनाथ की गंगा माता की गौ माता की राम जन्म भूमि की कृष्ण जन्म भूमि की श्री डूंगरपुरी जी महाराज की धन परमात्मा अंतर्यामी और अधिष्ठान रूप से सभी प्राणियों की भीतर बाहर विराजमान है। जगदीश्वर भगवान का पावन स्मरण करते हैं। इटादा की इस पावन धरा पर विशाल हिंदू सम्मेलन, इस सम्मेलन को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे हुए पूज्य चरणारविंद महंत श्री जगदीशपुरी जी महाराज चौटन मठ, महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज तारात्रा मठ, महंत श्री परशुराम गिरी जी महाराज कनाना मठ, जगरामपुरी जी महाराज, सभी संतों के पवन चरणारविंदों का वंदन करते विराजमान सभी हिंदू धर्म के संवाहक सज्जनों सादर हरे राम हरे कृष्ण। हम सबको कोई पूछे कि इटादा गए किसके लिए गए, सम्मेलन से क्या होने वाला है, सम्मेलन का तो क्या है, फालतू का एक दिन का समय चला गया। इन दिनों देखो ऊपर बादल बादल घूम रहे हैं, हवाएं भी चल रही है हड़ी तिरछी, जीरा वीरा खराब नहीं हो जाए है, बाद में कर लेते। इसी विचारधारा के कारण ये सम्मेलन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति का परित्याग कर देते हैं, और संस्कृति कितनी पोषक है उसका हमको कल्पना नहीं है। संस्कृति मनुष्य को मनुष्य बनाती है, धन मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकता, परंतु जो ऋषि प्रणीत व्यवस्था है जिसके कारण हम पूरे विश्व के अंदर आज भी विश्व गुरुता का शंखनाद करते हैं, तो वो हमारी भारतीय संस्कृति है। इस पवित्र संस्कृति के ऊपर हमारी उदासीनता और आक्रांताओं का गिद्ध दृष्टि दोनों को निर्मूल करना चाहिए। अब राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह कर रहे थे, किसका क्या नुकसान था, जिसकी मर्जी हो दो, नहीं देना है तो मत दो, पर उन लोगों को पता नहीं, क्योंकि जिस राम जन्मभूमि के ऊपर यवनों का लंबे समय से आधिपत्य था वो तो नष्ट हुआ ही। आज हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उस श्री रामचंद्र भूमि पर भगवान का भव्यतम मंदिर का दर्शन करेंगे और बेधड़क होकर जाकर श्री राम जी के चरणारविंदों का वंदन करेंगे। ये हमारे पुरखों के पुण्य से हुआ है, कितने पीढ़ियों तक हमारे पुरखों ने इस तप को किया, इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, तब जाके श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से आज हमको ऐसा पवित्र अवसर प्राप्त हो रहा है। परंतु विधर्मियों को लगा देखो ये कैसे वहां राम मंदिर बनाते हैं, उनका षड्यंत्र और इस प्रकार का साहस होता है इसलिए है क्योंकि हम लोग सिंह का बच्चा था और चला गया भेड़ों के बीच में छोटे से, और धीरे धीरे वो भेड़ों की तरह रहने लग गया। उससे भेड़ा डरती भी नहीं थी, उल्टा वो डरता था, किसी सिंह ने देखा तो देखा ये तो हमारा भाई है और वहां क्या कर रहा है, उजारे तू यहाँ क्या कर रहा, बोले मैं तो भेड़ों का इनका ही भाई हूँ, इनकी जाति वाला हूँ, इनके साथ रहूंगा और कहाँ जाऊंगा। तो उसको कहा जाके देख पानी के अंदर जाके देख, जब पानी पीता सरोवर में तेरा आकार प्रकार मेरे जैसा है कि भेड़ों के जैसा है। देखा तो लगा अरे मैं तो इसके जैसा हूं, फिर कहा देख जैसे मैं दहाड़ता हूं वैसे दहाड़। अब सिंह की गर्जना ज्यों की सब भेड़ों का समूह वहां से भाग गया। शेर सो भी रहा है तो भी उसके ऊपर गीदड़ हमला नहीं कर सकते, उसको युद्ध करने की कोई जरूरत थोड़ी है गीदड़ से। सिंह अपने स्वभाव से इतना पराक्रमी होता है कि गीदड़ वहां पहुंच नहीं सकते, खटक नहीं सकते, उसके पदचिन्हों को देखकर भाग जाते हैं। तो वैसे ही हमारी सनातन संस्कृति के
संभाग जो है अपने को धन्य मानने वाले उनको सिंह की तरह भी होना चाहिए। ये मजाल है कोई हमारी संस्कृति के दोष की दृष्टि से भी देख ले। यदि भी हमारा उद्देश्य किसी को दुख देना, प्रताड़ित करना है, डराना नहीं है। भारत की संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसने विश्व का कल्याण हो का नारा दिया है। संपूर्ण प्राणियों के कल्याण का यदि कोई उद्घोष करता है तो वो भारतीय संस्कृति है। हम किसी का पराभव नहीं देखते, परंतु यदि कोई हमारे इस पवित्र यज्ञ में विघ्न पैदा करने की कोशिश करता है तो हमारा इतना पराक्रम होना चाहिए कि हमें देखते ही उसके पांव उखड़ जाने चाहिए। सूर्य का उदय होता है तो कोई लठ लेके अंधेरे को थोड़ी भगाता है। सूर्य के उदय से जैसे तम भाग जाता है, वैसे ही हमारी सनातन संस्कृति के उद्घोष मात्र से जिन लोगों के हृदय में कलमश भरा हुआ है, सनातन संस्कृति से द्वेष है, या तो उनका हृदय धुल जाए और वो सनातन संस्कृति को ग्रहण कर ले, अन्यथा इतने दूर चले जाए जहां पर हमारी छाया भी नहीं पहुंच सकती। इस प्रकार से हम लोगों को संगठित और संस्कृत होने की आवश्यकता है, परंतु करे क्या, यहां तो जय बोल देंगे घंटा भर के लिए, आगे जाके फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। निरंतर अपने को याद करना है कि मैं हूं कौन और मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या। कई बार मैं कहता हूं कि कम से कम हिंदू संस्कृति की जो रक्षा करने के लिए कई लोगों ने, जिनको आज सिख कहते हैं, वो पंच केस रखते, एक भी बाल नहीं उतारते, क्योंकि मुगल काल में मुगलों के शासन ने हुक्म दे दिया कि रोज का एक एक मण लाओ, शिखा लाओ, सूत्र लाओ, जनेऊ उतार के लाओ, चोटी काट के लाओ। तो सरदारों ने कह दिया शिखा सूत्र की बात छोड़ो, हम तो एक भी केस नहीं काटेंगे, तुम्हारी हिम्मत हो तुम्हारा एक केस उखाड़ के दिखा दो। आज भी वो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और हम लोग तो जाप रांधे को मत अकड़ अकड़ बिना कई तरह सरो बाल फटावे, पूछना पड़े ना फैसल नाम की विचार की, हमारे ऊपर शिखा होगी, सूत्र होगा तो हमको गौरव होगा हमारे धर्म का कि मैं हिंदू हूं। कोई आदमी ने कोई वेदना बुढ़ो आदमी माथे और धोड़ पोती हुआ, कोई पग सूखे तो क्या करना, थार बाप माथे पोती होता नहीं, नहीं करना पोती रुके। तो अपने ऊपर शिखा होगी, सूत्र होगी तो हमको खुद को बोध होता रहेगा कि मैं भगवान श्री राम का हूं, मैं श्री रामचंद्र जी का हूं, श्री कृष्णचंद्र जी का हूं। नहीं से तो एक जैसे दिखने में, खान पान एक जैसा, रहन सहन एक जैसा, कहने के लिए कौन मैं हिंदू और दूसरा कौन तुर्क। अरे हम भी वैसे ही है, यदि आचरण हमारा वैसा है तो हमारे पर उनमें फर्क क्या है। इसलिए हम सबको हमारी संस्कृति के ऊपर गौरव होना चाहिए। हम दूसरों का देखा देखी आड़े टेढ़े बाल कटवा सकते हैं तो शिखा का कोई भार नहीं है। जब आप शिखा रखनी शुरू करेंगे, जनेऊ धारण करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कितना बल है। ये एंटीनो एंटीनो धर्म है, भगवान की शक्ति शरीर में लानी वे तो शिखा सूत्र लगाओ, शरीर के ऊपर रखो, देखने से ही पता लगेगा ये कौन है। ये सनातन संस्कृति का संवाद है, इसलिए हमारे अंदर ये गौरव होना चाहिए हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, कि हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए जैसा हमारे ऋषियों ने कहा है। और वैसे जिएंगे तो फिर हिम्मत नहीं हो सकती ऐसे दुष्ट लोगों की कि वो हमारी तरफ देख सके। आप सबसे, मैं अभी बहुत सारे संत मुझसे, मैं तो सबसे छोटा हूं, हम सबको मार्गदर्शन देंगे, परंतु आप लोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे, जीवन में धारण नहीं करेंगे तो सम्मेलन का क्या अर्थ रह जाएगा। इसलिए सज्जनों आप सबसे विनंती है कि केवल जय तो बोलते ही है, पर जीवन में भी जय, हृदय के अंदर जय को धारण करो। यहाँ लग रहा है मेरे को लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़े जोर जोर से श्री रामचंद्र जी की, भारत माता की जय बोल रहे हैं। इतना बोलना ये भी कोई कम चीज नहीं है, हिम्मत का काम हिम्मत वाले बोलते, बिना हिम्मत वाले डर जाएंगे, बोलेंगे भी नहीं। परंतु इस हिम्मत को और आगे बढ़ाते हुए हमें अपने जीवन को सनातन संस्कृति से ओतप्रोत करते हुए हमारे विक्रम को भी प्रकट करना है। इस प्रकार से हमारे को जीवन शैली के द्वारा सबको ये दिखा देना है कि हम लोग सनातन संस्कृति के संभाग सबके कल्याण की कामना करते ही हैं, प्रत्युत जो इसके विरुद्ध चलने की कोशिश करता है या टांग खिंचाई करता है तो उसको टांगों के दर्शन नहीं होने वाले हैं, वो जन्नत में जाने वाला है। ऐसे जब आप भीष्म प्रतिज्ञा कर लेंगे तो राम जन्म भूमि के लिए तो क्या, आप जो भी काम करेंगे सनातन संस्कृति का, वो लोग भी आपके साथ या तो शामिल हो जाएंगे अन्यथा उधर नजदीक में चले जाएंगे।
जिसको सहन नहीं होगा उनके लिए उनकी भूमि खुली है, और जिसको सहन हो जाएगा वो यहाँ हमारे साथ हमारे जैसे बनकर बनकर रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय गो माता जय गोपाल। जोर से बोलेंगे, ओ वीर पुरुष, साहस बटोर, निर्भीक बन, गर्व से घोषणा कर कि मैं हिंदू हूँ। सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, भारत की मिट्टी मेरी स्वर्ग है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर है, भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। ऐसे ही भाव थे पूज्य रघुनाथ भारती जी महाराज के। अब मैं निवेदन करूंगा कराना मठ के महंत पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज जी से, आप पधारे और हमें पाथे प्रदान करवाएं। ओम ओ नमोस्पनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवै सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमस्ते शारदे देवी काशमीरपुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। एक बार बोलेंगे, भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। जय जय श्री राम। आवाज ऐसे नहीं चाहिए, पूज्य संत वृंद यहां विराजे हैं, आवाज यहां से सीधे पाकिस्तान तक जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पावन पुनीत ये पुण्यधरा वीर प्रसूता भारत भूमि के सिव्य खंड इटादा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में विराजमान एक एक गुरुमूर्ति का नाम लूंगा, समय लगेगा, समय का अभाव होने के कारण मंचस्थ विराजमान पूज्य सभी संत वृंदों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और जो भेष से तो भगवान ही दिखाई दे रहे लेकिन जिनके अंतस्थ भाव से लेकर के वाह्य सारी व्यवस्थाएं भगवा और हिंदू से ओतप्रोत हो, ऐसे संघ के प्रचारक बंधु और मेरे सदृश विराजमान हिंदू हित को हृदय में धारण किए हुए, हिंदू भावना को अपने हृदय में पूर्ण रूप से दिग्दर्शन स्थान दिए हुए जो पधारे बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा बंधु, पत्रकार बंधु और शासन प्रशासन के भी बंधु, समूचे पंडाल में विराजमान आप सभी के हृदयात्मक बिंदु में विराजमान परमात्मा को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं इतना ही आह्वान करूंगा, पूज्य संतों ने अलग अलग माध्यम से क्लियर बताया क्योंकि संतों की वाणी मधुर और मृदुल होती है लेकिन वो मधुर और मृदुल तभी तक होती है
जब तक शास्त्रानुकूल वेदानुकूल धर्मानुकूल आचरण स्वयं में और दूसरों में भी और शांति प्रिय जीवन सभी का बना रहे। हमारी संस्कृति ने सदैव ये चाहा है, कभी नहीं चाहा कि हम अपने कल्याण के लिए कुछ करें, कभी नहीं चाहा कि मैं स्वयं के लिए जीऊं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना हमारी आदि अनादि काल से चली आ रही इस दिग्दर्शन की दिव्य परंपरा में है। लेकिन उन आतताइयों को, उन जो अनायासी ये सोच बैठे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, वो कुछ भी करने वाला समय निकल गया, अब वो समय नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, अब वो समय नहीं रहा। शास्त्रानुकूल चलोगे तो शास्त्रानुकूल पद्धति से समझाया जाएगा, और शस्त्रानुकूल चलोगे तो शस्त्र पद्धति से भी समझाया जाएगा। लेकिन शस्त्र पद्धति हम लोग तब करते हैं जब अति हो जाए, क्या हो जाए, अति हो जाए। तो मैं उस स्थिति के प्रकट होने से पहले ही शासन और प्रशासन से भी आह्वान करूंगा, किस पर हमला किया, मांग रहा था भीख भिक्षुक, सेठ गाली बक रहा, भिक्षुक नहीं कुछ बोलता, मुख सेठ का है तक रहा, धन धाम ही सब तज दिए, अब शौक करके क्या करे, जब औखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरे, जब औखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरे। किस पर हमला किया, भिक्षुक बन करके गए और तुम्हारे पास नहीं गए, हमारे भाइयों के पास गए, और वो भी मांगो नहीं मर जाऊं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोहे मांगत आवे नहीं लाज। किसके लिए, राम जी के लिए गए। आप विचार कीजिए, पूरे के पूरे समर्पण निधि के जितना भी काल चला, उस काल में आप देखिए हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, संघ के लोगों ने, पूज्य संत प्रवरों ने अपना पूर्ण ऊर्जा और निष्ठा के साथ समर्पण निधि का कार्यक्रम किया, और वो इतनी शांति प्रिय तरीके से चला। जो टारगेट दिया गया दानदाताओं ने और भामाशाहों ने, उसका भी डबल दिया, कमी कुछ नहीं रखी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। भामाशाहों ने दिल खोल करके अपनी सुपुण्य पुंजिका में अपनी पुण्य पुंजिका को लगाया। लेकिन इस जगह पर ऐसी घटना हुई हमारे दौलत सिंह जी के साथ, तो हृदय को विदीर्ण करने वाली घटना थी। अरे आपसे कौन मांग रहा है, आपसे तो छोड़ो हमारे हिंदू भाइयों से भी एक भी जगह पूरी समर्पण निधि में कहीं भी यह पता नहीं चला कि किसी पे कोई प्रेशर दिया गया हो, किसी पर किसी एक भी व्यक्ति ने कहा होगा कि नहीं था, नहीं इतना करना ही पड़ी। सबने अपने अपने हृदय भाव से दिया, राम जी के लिए दिया, और वो राम जी का मंदिर। अरे आज तो हमें सिर्फ पैसा देना था, हमारे पूर्वजों ने तो लाखों की संख्या में अपने प्राणों को आहूत किया है, तब जाकर के ये आज दिग्दर्शन हमें मिला है, तब जाकर के ये सौभाग्य हमें मिला है, और वो भी सौभाग्य भगवान राम की इतनी बड़ी कृपा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आने वाला जब समय कभी अगर 2020 और 21 के इतिहास काल को दोहराया जाएगा,
तो मूर्ख लोग तो कहेंगे कि वो कोरोना काल था, लेकिन हम लोग कहेंगे कोरोना जैसा कलमश चला जाएगा 2020 और 21 तो राम मंदिर भव्य निर्माण काल था, इस कालखंड का नाम बदल जाएगा। इसलिए उन आतताइयों से विशेष कर कहना चाहता हूं कि आप अपनी मर्यादा में रहिए। जितने स्वतंत्र आप यहां हैं, मुझे लगता है इतने स्वतंत्र तो आप पाकिस्तान में भी नहीं होंगे। कुछ भी टिप्पणियां कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो, तो यहां मेरी यही प्रार्थना है और शासन प्रशासन के साथ साथ उनसे तो है ही, आपसे जरूर है कि संगच्छत्वं संबदत्वं, अगर इस भावना को नहीं जिया, अगर इस आचार शुचिता को आपने अपने जीवन में आचरित नहीं किया, तो आज तो दौलत सिंह जी के साथ हुई है, कल को फिर पुनः कोई और दौलत सिंह के साथ हो जाएगी। ऐसी घटनाएं पुनः ना हो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को आज से ही यहां से संकल्प लेकर के जाए कि मैं अपने बच्चे को शाखा में भेजूंगा, अपने बच्ची को। अब तो सारी व्यवस्थाएं बच्चियों के मातृशक्ति के लिए भी सेविका समिति है और भी अनेक प्रकल्प हैं, और जब आप वहां जाएंगे ना तब पता चलेगा कि संघ है क्या, संघ क्या है। आपको वहां जाने के बाद पता चलेगा संघ जीवन की वो पद्धति है जहां आचार शुचिता मिलती है, जहां धर्मे की तत्परता मिलती है, जहां मुखे की माधुर्यता मिलती है। और अगर इसका सीधा साधा और अपने प्रत्यक्ष ही उदाहरण चाहते हो तो ये भैया आपके सामने ये बैठे हैं राम स्वरूप जी, ये हमारे स्वरूप जी खारा। आज से 10 साल 5 साल पहले कभी इनको ऐसे संस्कृत के श्लोक सुनते हुए या बोलते हुए देखा था क्या? मुझे ऐसे ही बताना। स्वरूप जी को पहले काफी लोग जानते होंगे, लेकिन ऐसे सुंदर सारगर्भित और मनमोहक जो श्लोक आज बोल रहे हैं, पहले संघ की संगति से पहले कभी इनके मुख से ऐसे श्लोक सुने थे क्या? और आज देख लो वही स्वरूप सिंह खारा है, कितनी शास्त्रीय पद्धति द्वारा, वैदिक पद्धति द्वारा आज मंच का संचालन कर रहे हैं। ये संघ की परिभाषा इससे श्रेष्ठ और नहीं हो सकती। इसलिए यही आह्वान करते हुए, समय के अभाव को देखते हुए, आप सभी के जीवन में मंगल हो। भगवान राम का ये दिव्य जो अभी पुनीत कार्य हुआ है, राम रक्षा स्तोत्र के 6 श्लोकों के द्वारा, राम रक्षा स्तोत्र तो बहुत बड़ा है लेकिन 6 श्लोक जो कवच के रूप में है, वो आप दोनों हाथ जोड़ करके सीधे एकदम कमर सीधी करके बैठेंगे और अपने हृदय पटल पर भगवान राम को स्थापित करेंगे। हे प्रभु, आपने ऐसी अनुकंपा की है, आज जो हिंदू आदि अनादि काल से चाह रहे थे वो आज प्रत्यक्ष होने जा रहा है। इसलिए हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हम सदैव आपके धर्मो रक्षति रक्षिता, आप हमारी रक्षा करते हैं, हम भी सदैव अपने धर्म का पूर्ण पालन करेंगे। ओम ओम श्री सीता राम चंद्राय नमः नमः। राम रक्षां पठेत प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदां, शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः, कौशल्येयो दृशो पातु विश्वामित्र प्रियश्रुति, घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः, जिह्वाम विद्यानिधि पातु कंठं भरतवंदितः, स्कंधौ दिव्यायुधः पातु भुजो भगनैषकार्मुका, करौ सीतापती पातु हृदयं जामदग्न्यजिता, मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रियः, सुग्रीवेशः कटी पातु शक्यद्धिनि हनुमत्प्रभो,
उरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुल विनाशिकृता जानुनी सेतु कृत पातु दंघै दशमुखान्तकः पादौ विभीक्षण स्त्रीदः पातु रामौ किलं वपुः एतां राम बलोपेतां रक्षाम यः शुक्रदीपते सचिरायो सुखी पुत्री विजये विनयी भवेत्। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। मैंने बोला फिर पुनः मेरे जाते जाते एक उद्घोष और ऐसा हो, पूरा पंडाल गुंजायमान हो, शासन प्रशासन को भी पता चले कि वहां से क्या आह्वान हो रहा है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जग नहीं सुनता दुर्बल जनों के शांति प्रवचन, सर झुकाता उसे कर सके जो रिपु मान वर्धन, बिना ताकत को ही नहीं पूछता, इसलिए सबको संकित होकर के शक्ति संपन्न होना है, ऐसे ही भाव थे पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज के। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा डूंगरासो परमेश्वरा हमारे जो चौहटन मठ के महंत है पूज्य जगदीशपुरी जी महाराज, महाराज जी बता रहे हैं संपूर्ण हिंदू समाज विराट शक्ति सुरोपाय समस्त हिंदू समाज का पाथिक एवं मार्गदर्शन प्रदान करावे पूज्य जगदीशपुरी जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, डूंगरपुर जी महाराज की, सोया कपालेश्वर धाम की। आज इस इटादा की धर्म धरा, चाहे पहले कैसे भी, आज वो धर्म धरा है। धर्म धरा पे हिंदू संगठित जागृति मंच, धर्म जागृति के लिए मंच रखा गया। इस मंच पर विराजित सभी कई जिलों से, बाहर प्रांत से भी पधारे हुए संत महंत गादीपति मंडलेश्वर श्रीमान, कई कई तरह की उपाधियां प्राप्त किए संत अपने बीच में विराजित है, उन सभी को मैं मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम, ओम नमो नारायण, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्रचारक संघ के प्रचारक दोस्त कोई संतों से कम नहीं होते हैं, ठीक है उनको भंगवादारी अपन कहे या नहीं कहे, उनके पीछे नाम भले दास लगाओ, राम लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो भी हमारी, उनका भी कर्तव्य धर्म सिद्धांत एक संत सिद्धांत में ही आते हैं। तो ऐसे प्रचारक साहिबानी हमारे बीच में विराजित है, उनको मेरी तरफ से प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, उनका स्वागत। सामने विराजित धर्म सभा जिसमें हजारों हजारों की संख्या में राम भक्त होंगे, क्योंकि अभी ताजा अभियान चला है, इसलिए राम भक्त ज्यादा ही जुड़े और है भी, बीच में थोड़ा ठंडा हो गया था, अभी वापस जागृति आ गई है, तो इसमें राम भक्त बहुत सारे विराजित हैं, उनका अभी अभी ताजा भाव हृदय में जागृत है। ऐसे राम भक्तों को आम सभा में विराजित सभी 36 कौम के, जिसमें सभी समाज है अपने बीच में, राजपूत भी है, सुतार है, जाट है, बिश्नोई है, और देवी भक्त भी होंगे, और हमारे बीच में बीजेपी के भी कई पदाधिकारी विराजित हैं, और मातृशक्ति में हमारे बीच में प्रियंका जी भी विराजित हैं, ऐसे सभी, और पुलिस प्रशासन सेवा दे रहे हैं, मीडिया परिवार भी अपने बीच में है, सभी को मैं मंच की तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन हार्दिक भाव से करता हूं। बात रही आज के इस, ये जो आंदोलन के रूप में नहीं है, ये एक समझाइश करने के रूप में यहां सभा रखी गई है, और जागृति होनी चाहिए, जागृति के लिए ना, सूते हुए को जगाने के लिए एक धर्म सभा रखी, कोई यहां कोई झगड़े की बात नहीं है, ना कोई डाल है, ना तरवार है, ना कोई बर्छी, सिर्फ बात रखनी है, जबान से रखनी है, और किस लिए
अभी एक महीना पहले लगभग इंटादा निवासी दौलत सिंह जी के साथ में जो कुछ कंटकों ने एक जाति समुदाय ने न जाने उनकी पुरानी रंजिश कानों में सुनी है कि कुछ थोड़ी रंजिश थी पुरानी, वो भी धर्म के लिए। बाकी ऐसा कोई इनका झगड़ा खेत में नहीं था, प्लॉटों में नहीं था, धर्म के शब्दों के ऊपर थोड़ा विवाद सुना है होगा, 4 साल पहले की 3 साल पहले की बात है। तो ऐसा होता तो सारी बातें माखासर से लेके जैसलमेर तक के अपन लोग घुल मिल के रहते हैं, सभी जाति के लोग है उसमें, मुसलमान भी है और हिंदू सनातनी धर्म के लोग है सभी। तो पहले ऐसे कई नौबतें आई, वो बैठ मिल करके और बातचीत होके बातों द्वारा सुलझाई गई। इस एक महीना हो गया, एक महीने में कोई मुसलमान ने हिंदुओं के आके बताया किसी को कि मैं हमारा ये समझौता करो और हम दोषी हैं, खूनी हैं? मैंने नहीं पूछा, किसी ने नहीं बताया। तो पहले पंचायतियां अपने लोगों द्वारा बुजुर्गों द्वारा हो जाती है और इसमें उन्होंने चूं तक नहीं किया, तो न जाने उनके मन में क्या इच्छा थी। सुना है कि वो मारने के लिए आए थे और जीवित रह गए थे, इनके बच्चों का भाग्य। ऐसी घटनाएं आज से आगे या ना हो, इसलिए एक हिंदू सम्मेलन जागृति मंच यहां रखा है। अगर अपन नहीं समझे वाले दिनों में आगे वाले समय में क्या होगा, वो सब कुछ आप लोग जानते। ज्यादा कहने की और भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर रहे जिस गांव में रहते हैं, सनातन धर्म वाले हिंदू समाज के लोग रहते हैं, मुसलमान भी घुल मिल के रहते हैं, दो खेत उनका है तो 3 खेत उनके है, दो कैसा है जुड़ा हुआ और अनुजे हुए हैं सभी, कोई एक ही मुसलमानों का गांव भी निजी है नहीं, कोई होगा तो होगा, पर सभी लोगों के खेत है, रहने वाले सभी साथ में रहते हैं, कई पीढ़ियों से रहते हैं, तो सबको हिलमिल के रहना चाहिए और आगे के लिए अपने को चेतन और जागृत होना चाहिए। ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा और आप लोग इस शब्दों में समझ जाओ। अरे बाप जी ने हमें संदेश दिया, वयम पंचाधिका शतम, हम 105 है, यानी हमारे मध्य किसी प्रकार के मतभेद और भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर के जाजम पर बैठ करके समाज हित में निर्णय लेंगे कभी भी, इसलिए हमारे को एक रहना ही है। आगे से कुछ संतों ने भी कहा, बार बार कहा, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणी न मार्त नाशनम, देश समाज और धर्म के लिए प्रचारक रूप में जो संतत्व जीवन जी करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे ही हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय मुरली मनोहर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पधारेंगे, हम सबका पाथे प्रदान करेंगे। विराट हिंदू सम्मेलन के इस मंच पर विराजमान शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देने वाले धर्म रक्षक के रूप में, पूज्य योद्धा सन्यासी के रूप में सभी संत वृंद और इस कार्यक्रम में दूर दूर से सीमावर्ती गांव, तहसील और जिलों से पधारे हुए सभी हिंदू युवा शक्ति जामवंत के रूप में विराजमान सभी वरिष्ठ नागरिक बंधु, हनुमत शक्ति के रूप में सभी युवा शक्ति और दुर्गा और जगदम्बा की प्रतीक के रूप में मातृशक्ति, मेरे से पहले सभी संतों ने इस कार्यक्रम का हेतु और ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ रहा है इसके बारे में पर्याप्त बता दिया। मेरे को यहां पर जो बोलने के लिए बताया गया है, ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस समय की परिस्थितियां जो हो रही है, ये परिस्थितियों के जिम्मेदार कौन है? ऐसी परिस्थितियां बन गई है, इन परिस्थितियों का परिमार्जन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक बार जयकारा लगाएंगे। हम सबको पता है कि सरदार भगत सिंह को फांसी लाहौर में हुई थी,
और लाहौर कहां है आजकल? तो पहले अपन नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब कश्मीर 370 हटने के बाद में लगभग अपना ही है। जैसे 370 का समाचार हमारे को अखबारों के माध्यम से मिला, वैसा ही समाचार निकट भविष्य में पीओके का मिलना है। लेकिन अभी हमारे को लाहौर की बात करनी है। मैं बोलूंगा जहां हुए बलिदान भगत सिंह, आप बोलना वो लाहौर हमारा है। जहां हुए बलिदान भगत सिंह, मैं बोलूंगा जय बजरंगी जय हनुमान, आप बोलना वंदे मातरम जय श्री राम। जय बजरंगी जय हनुमान, भारत माता की। अभी पूज्य संतों ने बड़े ओजस्वी जो उद्बोधन हमको दिया, उसी में से कुछ बातें मेरे को जो ध्यान में आई वो बताता हूं। 1857 की क्रांति के समय भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था और वर्तमान भारत का क्षेत्रफल 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। तो बाकी का 50 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि कहां गई? तो भारत के चारों तरफ के 9 देश हैं, वो 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के चारों तरफ के जो 9 देश हैं उनमें कभी हिंदू रहता था, तो हिंदू वहां से घटता गया और भारत बढ़ता गया। इसलिए देश की जो मूल समस्या है वो समस्या है हिंदू घटा देश बटा। 1876 में अफगानिस्तान अलग हुआ, 1904 में नेपाल अलग हुआ, 1906 में भूटान अलग हुआ, 1914 में तिब्बत अलग हुआ, 1935 में श्रीलंका अलग हुआ और 1937 में बर्मा अलग हुआ जिसको म्यांमार बोलते हैं, और 1947 में ये वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों अलग हुए। 62 की युद्ध में भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि हमने खो दी। ये जितने भी देश बने हैं उन देशों में हिंदू है क्या आज? अगर हिंदू है भी तो कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां समस्या है। इटाटा में जो घटना हुई, घटना के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इटाटा में हिंदू या तो कम है या फिर कमजोर है। पिछले दिनों में जहां जहां ये घटना हुई है उन घटनाओं के पीछे का कारण एक ही है कि वहां या तो हिंदू कम हो गया या आपसी कमजोरी के कारण से, भेदभाव के कारण से कमजोर हो गया। इसलिए इस देश को शक्तिशाली बनाना है तो हिंदू को घटने नहीं देना है। इसलिए इसका समाधान है संगठित हिंदू समर्थ भारत। एक बार बोलेंगे संगठित हिंदू समर्थ भारत। तो देश की मूल समस्या हिंदू घटा और देश बटा, और इसका समाधान है हिंदू संगठित हिंदू समर्थ भारत। 1947 से पहले इस देश में 16% मुसलमान रहते थे। 16% मुसलमानों ने मांग की कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। जिन्होंने अपनी इस भारत भूमि को कभी अपनी भूमि नहीं माना, जिन्होंने अपनी इस भारत माता को माता नहीं माना, यहां के महापुरुषों को अपने महापुरुष नहीं माना, तलवार के दम पर भले ही मुसलमान बन गए हो लेकिन उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। 16% मुसलमानों को उस समय के नेताओं ने
भारत माता की 30% भूमि काट करके पाकिस्तान बना करके दे दिया, 16% मुसलमानों को 30% जमीन देने के बाद में यहां एक भी मुसलमान रुकना चाहिए था क्या? 16% मुसलमानों को 30% जमीन देने के बाद में भी यहां 2.5 करोड़ मुसलमान यहां रह गए। उनको रखा किसने? हमने ही रखा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नारा दिया हमने। अपने ही लोगों ने उनको, जब पंजाब से लोग उनको भगाने के लिए आ गए तो हमने एक तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नारा दे करके और पूरे भारत के अंदर 2.5 करोड़ मुसलमानों को रख लिया। और वही 2.5 करोड़ मुसलमान आज बढ़कर के 30 करोड़ हो गए। ये तो 30 करोड़ लोग हैं, इसका मतलब क्या है कि 2.5 करोड़ से वो 30 करोड़ हो गए। जितनी जनसंख्या हिंदुओं की बढ़नी चाहिए थी उतनी जनसंख्या हिंदुओं की नहीं बढ़ी। हमने परिवार नियोजन का पालन किया, हमने कहा शेर का बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कुत्ते भी शेर को घेर करके मार देते हैं। इसलिए जो जनसंख्या संतुलन का काम, जनसंख्या कम करने का काम हिंदुओं ने जो ठेका ले रखा है, इस ठेकों को छोड़ करके हिंदुओं की जो संख्या घट रही है उसको बढ़ानी चाहिए। हिंदुओं की संख्या अपने में से अधिकांश जो बड़ी उम्र के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कोई भी 5 और 5 से कम भाई नहीं है। हम भी 6 भाई बहन है, हमारे पिताजी 8 भाई बहन थे, हमारे दादाजी और 9 भाई बहन थे, तो उस समय कोई कमी नहीं थी। आज हम 2 हमारे 1, उसके कारण से आज जितनी बेल्ट की नौकरियां हैं सेना और पुलिस, वहां भी हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। और जो इकलौता होगा उसको सेना में और पुलिस में कोई नहीं भेजेगा। इसलिए हिंदू घटा देश बढ़ता इसको समझना चाहिए, हिंदू की संख्या बढ़ानी है। ये जो 30 करोड़ मुसलमान है, ये 30 करोड़ मुसलमान ये कौन है? ये कोई अरब से आए थे क्या? ये अरब से नहीं आए, ये सभी हिंदू पूर्वजों की संतान है। अपनी सभा में भी कोई मुसलमान गर्दन नीचे करके बैठा होगा तो उसकी शक्ल से पहचान नहीं सकते कि मुसलमान है, क्योंकि उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है। तलवार के दम पर वो मुसलमान बने गए हैं, शस्त्र के दम पर वो मुसलमान बने हैं, कोई राजी खुशी नहीं बने। हमारी तलवार में कमी आ गई थी और जो मुसलमान बने उनकी लड़ने की क्षमता कम हो गई थी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान, तो उन्होंने कुरान को स्वीकार किया, तलवार को स्वीकार नहीं किया। तो ये जनसंख्या उनकी बड़ी है। इस देश की अधिकांश जो जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा है वो शस्त्र के दम पर बिगड़ा है, और शस्त्र के कारण से ही ये संतुलन बढ़ा है और इसका समापन भी शस्त्र के द्वारा होगा। शस्त्र के दम पर जनसंख्या बढ़ी है और शस्त्र के द्वारा ही समापन होगा। और यही कारण है कि हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। शस्त्र ही शास्त्र की रक्षा करता है। इसलिए हिंदू समाज को अपने आप को बचाना है तो शस्त्रधारी बनना होगा। जहां शस्त्र बल नहीं वहां शास्त्र पढ़े रोते और पछताते हैं। ऋषियों मुनियों को भी तप में सिद्धि तभी मिलती है जब पैरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ की रक्षा करने के लिए धनुर्धारी राम की जरूरत पड़ी। भगवान को भी ऋषियों मुनियों को भी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए शस्त्र धारण करना पड़ा। तो हिंदू समाज को भी शस्त्र धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये जो हम शस्त्र विहीन होकर के अहिंसा का झुंझुना बजाने लगे उससे हिंदू समाज की रक्षा होगी क्या? पहले हमारे पूर्वज, हमको सबको ध्यान में, हमारी दादी जी नानी जी
जब छोटे बच्चे को सुलाती थी तो सिराने पर तलवार रखती थी, कटार रखती थी, कोई न कोई हथियार रखती थी, क्योंकि हथियार रखने से कोई बुरी आत्मा उस पर कोई गंदी नजर नहीं डाले। आज की माताएं बहनें भी शस्त्र तो रखती है, लेकिन शस्त्र के रूप में क्या रखती है? सब्जी काटने वाला चाकू। हम तलवार से सब्जी काटने वाले चाकू तक आ गए, इसके दोषी कौन है? उसके दोषी हम ही हैं। शस्त्र रखने की परंपरा हमारे यहां पर हमारे पूर्वजों ने कैसे शुरू की थी, उन्हीं परंपराओं को वापस हमको विकसित करना पड़ेगा। पहले कोई भी शादी होती थी, हर शादी में दो शस्त्र घर में आते थे, दहेज में भी तलवार भेंट की जाती थी, और जो दूल्हा तोरण मारता था वो भी तलवार से तोरण मारता था। चार भाई हैं, चार भाइयों की शादी में आठ तलवार घर में आती थी, और आठ तलवार होने के कारण से वर्ष में एक बार शस्त्र पूजन भी होता था। एक तलवार से दो आदमी तोरण नहीं मारते थे। जब युद्ध होता था, फौजी युद्ध में भाग ले रहा है और उसकी शादी तय हो गई, तो शादी कैंसिल नहीं होती थी, वो शादी किसके साथ होती थी? तलवार के साथ होती थी। वो तलवार सुहाग के प्रतीक होती थी, उसके कारण से एक तलवार से दो बार तोरण नहीं मारे जाते थे। इसलिए हर हिंदू घर में वो जितने मेंबर होते थे उसे दुगने शस्त्र होते थे। गरीब आदमी तलवार से तोड़ मारता था, थोड़ा पैसे वाला होता था तो उसकी मूट चांदी की होती थी, थोड़ा अधिक पैसे वाला होता था तो तलवार की मूट सोने की होती थी, और अधिक पैसे वाला होता तो उसकी मूट और उसकी म्यान उसमें हीरे जवाहरात जोड़े जाते थे। तो क्षमता के अनुसार शस्त्र की सज्जा होती थी। लेकिन आज हमारी पीढ़ी क्या हो गया, तलवार से तोरण मारने की परंपरा बंद हो गई, दहेज में शस्त्र देने की परंपरा बंद हो गई। आज किराए की तलवार से तोरण मार रहे हैं कुछ एक दो जातियां। संपूर्ण हिंदू समाज में बिना शस्त्र के तोरण मारने की परंपरा शुरू होगी। एक लकड़ी या फलडा बोलते हैं मारवाड़ी में, उसको गोटा लपेट करके उससे तोरण मार रहे हैं। और जो तलवार से तोरण मारने वाली जातियां भी किराए की तलवार, एक ही तलवार से पूरा मोहल्ला पूरा गांव तोड़ मार लेता है, तलवार उतनी की उतनी। इसलिए जो तलवार से तोड़ मारने की परंपरा, शस्त्र दहेज में देने की परंपरा हिंदू समाज में पुनः शुरू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप सब लोग सहमत है क्या? आप लोगों की जिनकी शादियां हो गई वो अब परिवार में कोई भी शादी होगी तो किराए की तलवार नहीं लाएंगे, और बिना कोई धारदार शस्त्र से ही तोरण मारने की परंपरा पुनः शुरू होनी चाहिए। साल में एक बार शस्त्र पूजन की परंपरा, हर हिंदू घर में लक्ष्मी पूजन होता है या नहीं होता? तो जब लक्ष्मी पूजन होता है तो शस्त्र पूजन करने में हमारे को क्या दिक्कत है? लक्ष्मी पूजन हर घर में होता है, लेकिन शस्त्र पूजन हर घर में नहीं होता। पहले क्षत्रिय जातियां शस्त्र पूजन करती थी तो रक्त से पूजन करते थे, और जो बाकी लोग रक्त से पूजन नहीं कर सकते वो रोली और मोली से पूजन कर सकते थे। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रक्त से पूजन कीजिए, लेकिन साल में एक बार जो हमारे जितने ही शस्त्र हैं उन शस्त्रों का पूजन, और वो कब करना है? विजय दशमी के दिन शस्त्र पूजन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे। तलवार से तोड़ मारने की परंपरा पुनः शुरू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस आता है, ये जो धनतेरस है ये भी हमारे को अहिंसा का झुंझुना बजाने को प्रेरित करता है। ये वास्तव में शक्ति तेरस थी। पहले युद्ध होते थे, युद्धों के बाद में शस्त्रों की नीलामी होती थी, और जो नीलामी में शस्त्र मिलते थे उन्हीं शस्त्रों को, जो शस्त्र नीलामी किस दिन होते थे? वो शक्ति तेरस के दिन होते थे या विजयदशमी के दिन होते थे, नवरात्रा में होते थे। लेकिन शक्ति तेरस, नवरात्रा, शक्ति पूजन ये हम सब भूल गए,
और हर बार धनतेरस के दिन हम बर्तन भांडे खरीदते हैं, इतने गहने खरीदते हैं, घर में मेंबर चार और बर्तन हर साल खरीद रहे हैं, इतने बर्तन भांडों का क्या करेंगे हिंदू समाज? जनसंख्या बढ़ रही, बर्तन भांडे और गहने वगैरह मकान बना रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है या शस्त्र ज्यादा जरूरी है? तो शस्त्र शास्त्र की रक्षा कर सकता है। सोमनाथ का मंदिर टूटा था, सोमनाथ के मंदिर में 500 पुजारी पूजा कर रहे थे, जब मोहम्मद गजनी मंदिर को तोड़ने आया, सूचना मिली, तो उस समय जो 500 पुजारी थे, 5000 भक्त उस मंदिर परिसर में थे, तो उस समय के सब लोगों ने निर्णय किया कि गजनी आ रहा है, हम सबको 1,25,000,000 बार ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय जाप करेंगे, भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलेंगे तो मोहम्मद गजनी की सेना साफ हो जाएगी। सब लोगों ने यही किया। और बाद में सोमनाथ मंदिर बचा था क्या? नहीं बचा। अगर 5000 भक्तों ने उस समय शस्त्र उठा लिए होते तो सोमनाथ मंदिर भी नहीं टूटता और आज ये भारत की दुर्दशा नहीं होती। हमने शस्त्रों की जब जो उपेक्षा करी है उस समय धर्म को हानि हुई है। हमारे सारे देवी देवताओं की आत्म शस्त्र है। शस्त्रधारी भगवान की पूजा करने वाला हिंदू समाज शस्त्रधारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप सब लोग सहमत हैं? आप जिस जिस गांव से आए हैं, जिस जिस ढाणी से आए, जिस जाति के, जिस संगठन के हैं, इस बात को हर हिंदू घर में पहुंचाना है। केवल सुनना नहीं है, इसका प्रचार नहीं करना, इसका व्यवहार करना है। दूसरा एक उदाहरण और बताता हूं मैं, क्योंकि मैं अपनी बातों को उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। इतिहास में हमने भूल की है, पूरे देश के अंदर मुसलमानों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से 1,00,000 हिंदू लड़कियां लव जिहाद की शिकार होती है। बाकायदा पूरे देश भर में लव जिहाद सिखाने के लिए ट्रेनिंग के प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं, जहां पर इन के हैंडसम लड़कों को भर्ती किया जाता है, उनके लिए पैसों की व्यवस्था की जाती है, वकीलों की व्यवस्था की जाती है, प्रशासनिक लोगों से भी संपर्क किया जाता है, हर प्रकार से उनको सहयोग करके 1,00,000 हिंदू लड़कियां लव जिहाद की शिकार होती है। और वो 1,00,000 का आंकड़ा कौन सा आंकड़ा है? जो पुलिस में FIR दर्ज होती है। कई माँ बाप तो FIR दर्ज भी नहीं कराते। आप अगर FIR का जो ITI से पूछेंगे, इस वर्ष अपने राजस्थान में या बीकानेर या बाड़मेर जिले में लव जिहाद के कितने केस दर्ज हुए, तो आपको मिल जाएंगे। तो 1,00,000 हिंदू लड़कियां मुसलमानों के द्वारा भगाई जाती है, उनके द्वारा उत्पन्न संतति वो हिंदू समाज की दुश्मन होगी या राष्ट्रवादी होगी? तो 1,00,000 लड़कियां, ये कमजोरी किसकी है? हिंदू समाज की कमजोरी है। कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी भी है, और कहीं ना कहीं हम आपस में लापरवाही के कारण से हम ध्यान भी नहीं दे पाते। छोटे छोटे काम धंधों के द्वारा वो हमारे घरों पर, हमारे खेतों पर, हमारी फैक्ट्रियों में, दुकानों में प्रवेश करते हैं। उनको कुल मिलाकर के हिंदू समाज की लड़की को शिकार करने के पैसे भी मिलते हैं, उनका एक धंधा है। 1,00,000 लड़कियां हिंदू समाज की जाति है, उनमें से 10,000-12,000 हिंदू लड़कियां आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि वापस आती है माँ बाप स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि शादी कौन करेगा, तू हमारे लिए मर गई। 10,000-15,000 लड़कियां वहां पर समझौता कर लेती है, और समझौता क्या कर लेती है कि केस दर्ज नहीं होगा, और वो वापस आकर कोई स्वतंत्र रहने लग जाती है, या फिर वो कहीं वेश्यावृत्ति करती घूमती है। लेकिन जो बाकी 40,000 के लगभग लड़कियां हर साल जो उनके पास रह जाती है, वो हिंदू समाज के दुश्मन पैदा करने वाली मशीनें बन जाती है। ये जो हिंदू घट रहा है वो हमारी बेटियों के कारण से उधर बढ़ रहा है। जैसे हिंदू समाज की लड़कियां उधर जाती है, उनका पूरा समाज उनका सहयोग करता है, पूरा समाज उनको सहयोग करता है, उनका हर तरह से मदद करता है, सीमा का उल्लंघन करके भी उनका सहयोग करता है, प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से,
उनके जितने एमएलए एमपी हैं, जितने उनके वकील हैं, उतने प्रशासनिक अधिकारी सब सहयोग करते हैं। और केवल मुसलमान करते ऐसा नहीं है, ये हमारा जो भिखारी है लालची हिंदू, ये लालची हिंदू कौन सा हिंदू है? तो लालची हिंदू दो प्रकार का हिंदू है, एक नोट में बिकता है, एक वोट में बिकता है। एक वोट में बिकने वाला हिंदू जो नेता है वो भी उनका सहयोग करता है, और कुछ लोग नोट में बिकते हैं। तो नोट में बिकने वाला और वोट में बिकने वाला लालची हिंदू भी मुसलमान से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इस प्रकार का लालची हिंदू और मुसलमान दोनों से मुकाबला हो जाए, और हमारे हाथ में लाठी है तो मुसलमान के बाद में मारना, पहले ये जो लालची हिंदू है उसका सिर फोड़ना चाहिए। ये जो लालची हिंदू है, ये लालची हिंदू भी लव जिहाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा देता है। मैं संकेत इसलिए कर रहा हूं कि जैसे अपनी लड़कियां उधर जाती हैं तो वहां पूरा समाज उसको स्वीकार करता है, लेकिन उधर से कोई लड़कियां अगर हिंदू समाज में आ जाती है तो हमारे में से कितने लोग हैं उसको स्वीकार करने में? तो अपने हिंदू समाज में स्वीकार्यता नहीं होने के कारण से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, और हमारी बेटियों के कारण से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी घट रही है। इसलिए अगर कोई भी नौजवान हिंदू, अगर हम ये नहीं चाहते कि कोई धर्म के आधार ये प्यार प्रेम का मामला है, लेकिन अगर मान लो इस प्रकार कोई भी हमारा हिंदू नौजवान उधर से मुस्लिम लड़की से शादी करके आता है तो उसको हिंदू समाज को स्वीकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर हमने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया, तो हिंदू घटेगा या बढ़ेगा? इसलिए हमको स्वीकार करना चाहिए। मैं बंगाल का उदाहरण देता हूं जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा। बंगाल में एक काला चंद्र राय नाम का एक योद्धा था, सुलेमान नाम का एक बादशाह था वहां पर। सुलेमान जो बादशाह था उसके हरम पे एक तरह से इसका जो काला चंद्र राय का पिताजी नौकरी करते थे, योद्धा थे। जब सुलेमान उस हरम में चौकीदारी करते थे तो बादशाह की जो बेटी थी, उस बेटी का आंख लग गई उसे काला चंद्र राय से। काला चंद्र राय 6.5 फीट का अच्छा कट्टर हिंदू ब्राह्मण व्यक्ति था, उससे उसका अफेयर हो गया उसे वो लड़की, क्योंकि वो उसने कभी पुरुष देखे नहीं थे, हरम में रहती थी, पुरुष के नाम पर केवल उसी से उसको देखा। अब वो कट्टर हिंदू था, अब नौकरी तो उनकी करता था। जब चर्चा चली तो बादशाह बड़ा नाराज हुआ, उसने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन लड़की ने कहा कि इसने प्यार नहीं किया, प्यार तो मैंने किया है, वन में प्यार है तो, और मैं इससे शादी करना चाहती हूं। तो उस पर दबाव डाला गया कि तू मुसलमान बन जा, लेकिन उसने कहा कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, चाहे मुझे मार दो। कहानी बहुत लंबी है, समय के आधार पर थोड़ी कम करता हूं। जब काजी को बुलाया गया, मौत की सजा सुना दी उसको कि तू मुसलमान नहीं बन रहा तो तेरी शादी नहीं हो सकती और तेरे को तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। जैसे पिक्चरों में होता है वैसे ही वो जो लड़की है वो आकर के एकदम उसके पास में आ गई कि पहले काला चंद्र राय को मारने से पहले मुझे मारिए। तो उस समय क्योंकि वो लाडली बेटी थी सुलेमान की, उस समय फैसला बदल दिया, कहा कि कोई बात नहीं, बेटी को बाद में समझा लेंगे। तो कैसे जैसे करके और काला चंद्र राय को समझाया गया कि कोई बात नहीं, तू मुसलमान नहीं बनता तो हम इसको हिंदू बना देते हैं, लेकिन तू रहेगा हमारे पास ही, तू वहां जाएगा नहीं। तय हो गया कि भाई ठीक है, ये हिंदू बन जाएगी। हिंदू बनने के बाद में उसकी शादी हो गई, पंडित जी से फेरे हो गए। फेरे होने के बाद में काला चंद्र राय अपने गांव गया, ये पहले से शादीशुदा था। तो गांव में पता चल गया कि हमारा काला चंद्र राय ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। तो पूरे गांव के लोगों ने उसको एक तरह से पहले घुसने नहीं दिया, उसके घर में गए तो घर वालों ने भी उसके घुसने नहीं दिया। उसकी बूढ़ी दादी थी, उसने कहा कोई बात नहीं, अपना बेटा मुसलमान से शादी किया तो क्या हो गया, और ये तो मुसलमान बना नहीं, ये तो हिंदू ही है, और उल्टी इस लड़की को मुसलमान हिंदू बनाया है। इसलिए
ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई गांव वाले घर वाले कोई स्वीकार नहीं किया। उसको अपमानित करके और उसको एक तरह से जो जात बाहर करते हैं वैसे कहते हैं, घर वालों को कह दिया अगर इस काला चंद्राय को आपने रखा, हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़की से शादी करी है, मैंने निकाह नहीं पढ़ा, मैंने शादी की है इसलिए मैं तो हिंदू और ये भी हिंदू है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। उस जमाने के हमारे जो पूज्य संत महात्मा थे, संत महात्माओं से भी मिले, संत महात्माओं ने भी शास्त्र देखे, उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में मलेच्छ लड़की से शादी करने के बाद में वो हिंदू नहीं रहता, इसलिए तुम हिंदू नहीं हो। अगर तुम्हें वापस हिंदू धर्म में शामिल होना है तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वहां जाकर के 9 दिन त्याग करके अंजल खाए और आपको वहां पर तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद में हिंदू धर्म में शामिल होगा। ये काला चंद्रा इतना कट्टर व्यक्ति, उसको इतना अपमानित किया हिंदू समाज ने, जगन्नाथ मंदिर में वहां पर सीढ़ियों पर 6 दिन तक बिना कुछ खाए पिए 6.5 फीट का हट्टा कट्टा जवान था, रोजाना व्यायाम करने वाला, सैकड़ों हजारों दंड को पता चला कि सीढ़ियों में जो बैठा हुआ है वो कोई भिखारी नहीं है, एक योद्धा है, एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली इसलिए वो हिंदू धर्म से बाहर कर दिया, वो वापस प्रायश्चित करने आया है। तो वहां जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों को पता चलते ही वो सब के सब आए और आकर के वो जो काला चंद्र आए उसको ठोकरों से देकर के, उसको लकड़ियों से देकर के कहा कि तुमने जगन्नाथ मंदिर को अपवित्र कर दिया। ये इतिहास में लिखा हुआ है, मैं जो बता रहा हूं, आप सब लोग जो गूगल में ढूंढना काला चंद्र आए, उस काला चंद्र आए को इतना अपमानित किया, ठोकरों से उसको भगा दिया, तो यहां से तू पूरे मंदिर को गंगा जल से गाय के दूध से धोया गया, कहा कि तूने इस मंदिर को अपवित्र। ये काला चंद्र आए वापस गया कैसे जैसे करके, किसके पास? अपने ससुर के पास। उस काला चंद्र राय ने कहा कि अब मैं मुसलमान बनने को तैयार हूं, तो उसने कहा कि तू तो बहुत कट्टर था, जान पर खेल गया था, आज तू क्यों बन रहा है? उसने सारी परिस्थिति बताई कि मुझे बदला लेना है। वो सुलेमान राय का वो दामाद काला चंद्र राय बाद में मुसलमान बनना उसकी कर ली, तो हमारे सामने तो है। उस बूढ़ी दादी को छोड़ करके पूरे गांव को उसने काट दिया गाजर मूली की तरह, और तलवार लेकर के, और पूरे उस समय बंगाल का नवाब था वो, पूरे बंगाल, वो जो सुलेमान नाम का था वो एक तिहाई बंगाल का ही सेनापति था, एक तिहाई बंगाल पे उसका कब्जा था। ये जो वर्तमान में बांग्लादेश और ये जो पश्चिम बंगाल में जितने मुसलमान हैं, ये मुसलमान कोई मुसलमानों के द्वारा बनाए गए नहीं है, वही काला चंद्र राय कट्टर हिंदू जिसको हिंदू समाज ने मुसलमान बनने के लिए मजबूर कर दिया, उसने तलवार के दम पर वो इतिहास में काला पहाड़ के रूप में आज भी गूगल में ढूंढेंगे ये कहानी हमको झकझोर देगी। उस समय काला चंद्र राय को काला पहाड़ बनने के लिए मजबूर मुसलमान ने किया या हिंदू ने किया? और आज भी हमारा हिंदू समाज को कोई नौजवान मुस्लिम लड़की को लेके आ जाता है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उसके साथ काला चंद्र राय जैसा व्यवहार होना चाहिए? आप लोग इस समय अगर इस प्रकार कोई हिंदू समाज का व्यक्ति अगर वहां से कोई लड़की लेके आ जाता है, मैं कोई आह्वान नहीं करा कि लेके आवे, लेकिन लेके आ जाता है तो हमको स्वीकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो दूसरा मेरा आह्वान है हिंदू संख्या को नहीं बढ़ने देने के लिए, हिंदू समाज में आज जो मुस्लिम समाज में 3 तलाक का जो मामला आया है, 3 तलाक नौजवान को मैं वाक्य, और ये आप सबके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि उस लड़की की भावना क्या है। मैंने उसको मजाक में कहा, मैं क्यों, क्योंकि वो हमारे एक हिंदू समाज के योद्धा की बहू बन के आई थी, तो उसको कहा मैं, तो बेटी बेटी या बहन, तो मैंने कहा कि तुम्हारे को यही पसंद आया क्या? लड़का तो अट्टा कट्टा था, तो मैंने कहा यही पसंद आया क्या? आप तो उसकी बहन हो, मेरे को और भी अच्छा लड़का मिल सकता था। तो उसने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत धर्मात्मा है, और ये तो देवता है उस लड़के के लिए। तो फिर मैंने पूछा और बाकी, उसको जब गहराई से पूछा तो उसने मेरे को कहा कि ऐसा है भाई साहब, ये तो लव जियाल की जो बातें हैं,
ये तो कमजोरी हिंदुओं की है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी करना चाहती है लेकिन हिंदू स्वीकार नहीं करता, और हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ योजनाबद्ध तरीके से फंसाई जाती है, वो बस षड्यंत्र रूप फंस जाती है लेकिन वापस नहीं आती। और यहां पर क्या समस्या है, तो उसने एक वाक्य बोला था, उसने कहा हिंदू लड़के बेवफा होते हैं। क्या होते हैं? यानी प्यार प्रेम बाकी सब काम कर लेंगे लेकिन शादी होने की बात आती है, शादी करना है तो क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा तैयार नहीं है, मेरे घर वाले तैयार नहीं है। घर वालों की मजबूरी दिखा करके उस लड़की को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए हिंदू लड़के बेवफा होते हैं। उसने कहा अगर आप इस लव जिहाद को काउंटर करना है तो हिंदू लड़कों को वफा करना सिखाइए। ये उस लड़की ने कहा, मैं तो प्रचारक हूं, लेकिन उसने कहा, मैंने तो कहा मेरी बेटी के समान है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। उसने कहा कि हिंदू लड़का अगर वादा खिलाफी नहीं करे तो 100,000 लड़कियां हिंदू समाज की मुसलमानों के पास जाती है, मैं बोले वादा करती हूं वहां से 500,000 लड़कियां हर साल हिंदू युवकों से शादी करने को तैयार है। तो कोई भी काला चंद्राय काला पहाड़ नहीं बने। हिंदू की संख्या को अपने को बढ़ाना है, ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तीसरी कहानी सुना करके बात पूरी करता हूं, क्योंकि मुझे जो समय दिया उसी समय में पूरा करूंगा। पहले मेरे को आधे घंटे का समय दिया था, फिर उन्होंने बढ़ा के 1 घंटा कर दिया, हो सकता आधा घंटा हो गया होगा। तो जैसे ये उदाहरण बताया था काला चंद राय का, दूसरा उदाहरण अपने आसपास बहुत सारी वाक्य सुनते हैं अपन, जय भीम जय मीम, दलित मुस्लिम भाई भाई और जात कहां से आई, ऐसे नारे देते हैं। जो मुसलमान अपनी बहन का भाई नहीं होता हमारा भाई कैसे हो सकता है, लेकिन हम जबरदस्ती के भाईचारे में फंसे हुए हैं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम केवल हम ही कहते हैं, हम भी भजनों के अंदर बोलते हैं रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जबकि वो अपनी मस्जिदों में नहीं कहते। ये भाईचारे का जो रोग है हमारे को ही है, और ये रोग 1947 से पहले एक जोगेंद्रनाथ मंडल नाम का एक बहुत बड़े दलित नेता थे, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे वो, उस समय के दो सबसे बड़े दलित नेता थे, एक दलित नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, भारत के संविधान निर्माता बने, आज हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारियों में उनकी गिनती आती है। और दूसरे एक जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल में, क्योंकि बंगाल भी जो अभी बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये जोगेंद्रनाथ मंडल को एक रोग हो गया था, दलित मुस्लिम भाई भाई और जात कहां से आई, इस प्रकार का नारा दिया। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनको समझाया कि तुम जिनको भाई समझ रहे हो भाई नहीं है, कसाई है, वो भाई नहीं हो सकते। लेकिन उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल नहीं माने, जोगेंद्रनाथ मंडल को लालच दे दिया। किस बात का लालच दे दिया, कि दलित और मुस्लिम मिलकर के पाकिस्तान बनाएंगे। पूरा दलित समाज अंबेडकर जी के साथ थे, लेकिन फिर भी कुछ जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ हो लिए, और जोगेंद्रनाथ मंडल के बहकावे के कारण से 1947 में 2.5 करोड़ हिंदू समाज पाकिस्तान में रह गया। 2.5 करोड़ में लगभग 1 करोड़ दलित समाज के लोग थे, 2.5 करोड़ हिंदू समाज जोगेंद्रनाथ मंडल के, वो 2.5 करोड़ हिंदू रहे तो जोगेंद्रनाथ मंडल को इनाम क्या दिया गया, जोगेंद्रनाथ मंडल को इनाम दिया था पाकिस्तान का कानून मंत्री उनको बनाया था, पाकिस्तान का संविधान भी जोगेंद्रनाथ मंडल ने बनाया था। पहले कानून मंत्री थे, पहले श्रम मंत्री थे, और कश्मीर मामलों का काम भी वो देखते थे। 1947 से लेकर 1949 तक 2 साल वो कानून मंत्री रहे, पर 2 साल में उनको समझ में आ गया कि मैं तो यहां फंस गया, मैं जिनको भाई समझ रहा था वही लोग आज हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ किस प्रकार का कुकर्म कर रहे हैं, जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के जो 2.5 करोड़ हिंदू समाज था, वहां की मुस्लिम जनसंख्या, वहां की सेना, वहां की पुलिस, वहां के नेता, सारे लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उनका धर्मांतरण शुरू कर दिया। और ये जोगेंद्रनाथ मंडल
1950 में वापस आ गए और उनकी मृत्यु हुई 1968 में। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, भारत रत्न के रूप में है, लेकिन वो जोगेंद्रनाथ मंडल को आज कोई कुत्ता भी पूछता है क्या? तो जोगेंद्रनाथ मंडल के बहकावे के कारण से जमीन देने के बाद में भी उनको बसा लिया। आज भी हम गफलत में हैं, आज भी हम कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं। तो ये जो भाईचारे का जो ढोंग है, ये बीमारी केवल हिंदू को लगी है, ये सेकुलर नाम की जो ट्रेन है, इस सेकुलर नाम की ट्रेन को हिंदू ने ही बनाई है और इसको हिंदू चलाता है और हिंदू इसके अंदर बैठता है और ये ट्रेन हिंदू समाज को रौंदती है। जब हिंदू मर जाता है तो तमाशा भी हिंदू ही देखता है। तो ये जो सेकुलर बनने का जो भूत है, ये हमको छोड़ना चाहिए। कुल मिलाकर के ये जो हिंदू विरोधी शक्तियां जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए? अभी भी हमको भाईचारे का रोग को पालना चाहिए क्या? तो जो मैंने बताया कि काला चंद्राय का उदाहरण आपको बताया, दूसरा उदाहरण बताया मैंने जोगेंद्रनाथ मंडल, अभी भी हमारे हिंदू समाज के बहुत सारे लोग ये नारा देते हैं, मीम भीम का नारा देते हैं, ये जो बाम सेफ नाम का संगठन चलता है, जो संगठन चलता है पूरे देश भर में 60 लाख आतंकवादी जो सक्रिय हैं, स्लीपर सेल के रूप में वो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। उन षड्यंत्रों को अपने को समझना चाहिए। ये जो गांव गांव में जो हर मस्जिद में जो तबलीगी के रूप में आ रहे हैं, इनको नाम पूछने की हिम्मत हम नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें हमको समझनी है। तीसरे देश में सबसे ज्यादा जमीन गाय के नाम पर थी। अब पूज्य महाराज जी ने अभी बताया, गाय की बात करूंगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा। गाय के नाम पर भूमि थी और किसी भी जानवर के नाम पर भूमि नहीं थी, सबसे ज्यादा जमीन गाय के नाम पर थी। लेकिन आज उल्टा हो गया, आज गोचर भूमि से ज्यादा वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान बन गए हैं। अपने में से कई पटवारी होंगे, सरपंच होंगे, वो जानते हैं रहमानी नाम की जमीन भी होती है। तो इस देश में गोचर भूमि अधिक होगी तो हिंदू बचेगा, या वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान ज्यादा होगा तो हिंदू बचेगा? तो गाय के नाम पर जो गोचर भूमि है, वो गाय के नाम पर गोचर भूमि, उसको बचाना है। लेकिन गोचर भूमि वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान में कैसे बदल गई? तो वही नोट का लालची और बोर्ड का लालची हिंदू। तो नोट का लालची और बोर्ड का लालची, किसी भी गांव में गोचर भूमि अगर वो कब्रिस्तान में, वक्फ बोर्ड में, मजार में बदलती है, तो बिना हिंदू के सहयोग की होती है क्या? हिंदू कहीं ना कहीं नोट में, बोर्ड में, क्योंकि नोट में बिकने वाला हिंदू भी गांव गांव में बैठा हुआ है और बोर्ड में बिकने वाला हिंदू भी गांव गांव बैठा हुआ है। इसलिए नोट में बिकने वाला और बोर्ड में बिकने वाला हिंदू तो उनकी बढ़ती चाहिए, लेकिन जनसंख्या उनकी बढ़ रही है, बेरोजगारी हमारी बढ़ रही है। इसलिए लगभग 125 प्रकार के काम हैं, 125 प्रकार के कामों में योजनाबद्ध तरीके से मुसलमान हमारे घरों में घुसते हैं, हमारी कॉलोनी में घुसते हैं, हमारी ढाणी में घुसते हैं, परिवार में घुसते हैं और ये जितने भी प्रकार के अपराध उनको जन्म देते हैं। इसलिए हिंदू समाज को रोजगार का अवसर मिले, इसलिए खरीदारी करनी है तो हिंदू से करनी चाहिए, और रोजगार देना है तो किसको रोजगार देना चाहिए? तो हिंदू को रोजगार देना और हिंदू को हर विषय में प्राथमिकता देना, इसी काम को बोलते हैं आर्थिक जागरण। बोलो एक बार सब, आर्थिक जागरण। अभी मैं 5 मिनट में विषय पूरा करता हूं। तीन प्रकार की बातें हैं, तीन प्रकार का जागरण हमारे को समाज को करना है। पहला है शारीरिक जागरण। बोलो एक बार, शारीरिक जागरण का मतलब है कि हर समस्या का समाधान शारीरिक से होता है। रामायण का अंतिम फैसला कहां हुआ था? रामायण का अंतिम फैसला युद्ध के मैदान में हुआ था। महाभारत का अंतिम फैसला भी युद्ध के मैदान में हुआ था और देश को आजादी मिली
वो भी क्रांतिकारियों के द्वारा मिली, शस्त्रों के द्वारा मिली, और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई है वो शस्त्र के द्वारा हुई है। क्रांति बातों से नहीं होती, इसलिए क्रांति करने के लिए हिंदू समाज का शारीरिक जागरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शारीरिक जागरण करने का मतलब आत्मरक्षा के लिए हम सबको अपने आप को हनुमान जी बनना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी खुश नहीं होते, हनुमान जी जैसा शरीर भी हमको बनाना है। जय हनुमान ज्ञान शारीरिक जागरण है, तो पहला काम है शारीरिक जागरण, बोले का सब जोर से। दूसरा है वैचारिक जागरण, बोलो एक बार साहब वैचारिक जागरण है। वैचारिक जागरण है, अभी तक जो मैंने विषय बोला इस जागरण को बोलते हैं वैचारिक जागरण। तो वैचारिक जागरण में भी हमको किसी को भी कमजोर रहने की जरूरत नहीं है। हमारे को चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे माउथ मीडिया हो, हर प्रकार के मीडिया के अंदर हिंदू समाज का जागरण करना, यह है वैचारिक जागरण। और तीसरा मैंने बताया आर्थिक जागरण, खरीदारी करनी है तो हिंदू समाज से खरीदारी करनी है। और किसी को रोजगार देना है तो रोजगार, चाहे किसी को रोजगार हो खेत में दो, मकान बनाते समय प्लम्बर ड्राइवर इलेक्ट्रीशियन, तो रोजगार देते समय भी हिंदू का ही ध्यान रखना। ये तीन प्रकार का जागरण ही हिंदू जागरण है। एक आज सबसे जो प्रमुख बात है, आज हमारा युवा लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम क्यों होती जा रही है वो भी मैं अंतिम बता करके, क्योंकि व्यसन के कारण आज हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। कोई समय क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था पंजाब, लेकिन आज सबसे ज्यादा नशा करने वाला पंजाब हो गया। अभी कुल मिला के हिंदू विरोधी शक्तियों का सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान। तो रोज राजस्थान में योजनाबद्ध तरीके से हमारी नौजवान पीढ़ी को व्यसन की ओर धकेला जा रहा है। इसलिए हमारे हिंदू समाज को शारीरिक रूप से कमजोर नहीं रहे, हर हिंदू युवा को व्यसन मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। व्यसन मुक्ति करेंगे तो हिंदू जागरण होगा। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का मुख्य हेतु पिछले दिनों अपने इस बाड़मेर जिले में बहुत सारी घटनाएं हुई। अभी ताजा घटना श्रीमान दौलत सिंह जी के बारे में अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, राम मंदिर का कलेक्शन कर रहे थे तो मुसलमानों को ये बात सहन नहीं हुई, और गांव में मुस्लिम आबादी अधिक होगी तो योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला किया गया। उससे पहले भी 14 वर्ष की बालिका के साथ गैंगरेप किया, उसने आत्महत्या करी। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत सारी हो रही है। इस बहुसंख्यक हिंदू समाज के होते हुए भी यहाँ पर मुट्ठी भर लोग हैं, कोई बहुत बड़ी संख्या विरोधी शक्तियों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए ये जो आज का जो बड़ा कार्यक्रम है, सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटना हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रकार की घटना आगे कभी होगी तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं गोली से भी दिया जाएगा। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, आज हमारा हिंदू युवा भी कम नहीं है, आज हमारा हिंदू युवा भी कम नहीं है। केवल हम अहिंसा की बात करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हमने शस्त्र रखना छोड़ दिया है। हमने शस्त्र को रखा है, चलाना हमने नहीं छोड़ा है। इसलिए जो हिंदू विरोधी शक्तियां आसपास सुन रही हैं, वो कान खोल करके सुन ले कि हिंदू समाज जिस दिन खड़ा हो गया और खड़ा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आज जो मैंने दूसरा वाक्य बोला था कि देश की मूल समस्या हिंदू घटा देश बटा, समाधान है संगठित हिंदू समर्थ भारत। तो ये समय आ गया है, आज हिंदू संगठित हो गया उसी का प्रमाण है कि राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर के लिए हर घर से जो कलेक्शन हुआ है, पूरे राजस्थान से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था लेकिन 521 करोड़ रुपए राजस्थान के लोगों ने भेजे। हर हिंदू घर से एक क्रांति के रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में पैसा दिया है, लेकिन वो केवल पैसा नहीं दिया, आवश्यकता पड़ गई तो हिंदू समाज शस्त्र भी उठा लेगा। इसलिए जितने भी हिंदू विरोधी शक्तियां हैं
यहाँ पर जो खुफिया एजेंसी के लोग भी सुन रहे होंगे या प्रशासन के लोग भी सुन रहे होंगे और कोई लोग यहाँ पर भूतपूर्व हिंदू भी यहाँ सभा में आकर के भेद बदल करके जो सुन रहे होंगे वो भी कान खोल के सुन ले। आइंदा इस प्रकार की घटना हो गई तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वो समय 47 का समय था, भरतपुर के महाराजा सूरजमल का उदाहरण बता करके, और मैं आपको एक छोटा सा गीत करके पूरी बात करूंगा क्योंकि करनी है काम क्या क्या करना चाहिए। महाराजा सूरजमल का नाम सबने सुना है क्या? तो महाराजा सूरजमल ने एक पराक्रम दिखाया था, उस पराक्रम को हम सबको, क्योंकि आने वाला समय वो पराक्रम हम सबको दिखाना पड़ेगा। भरतपुर, धौलपुर और ये आगरा के पास में एक नोहार गोत्र के, नोहरवार बोलते हैं, ये नोहरवार गोत्र के जाट औरंगजेब के समय मुसलमान बन गए थे। तो औरंगजेब के टाइम पर जब मुसलमान बन गए थे, महाराजा सूरजमल का जब शासन आया तो जो मुसलमान बन गए थे वो जाट इकट्ठे हो गए आए कि महाराज साहब हमारे पूर्वज हिंदू थे और अब आपका शासन आ गया, हम वापस हिंदू बनना चाह रहे हैं। तो महाराजा सूरजमल बहुत खुश हुए, उन्होंने पंच पटेलों को बुलाया कि बहुत खुशी का दिन है, इतने लोग जब वापस हिंदू बन जाएंगे तो अपने राज्य का संतुलन बैठ जाएगा। तो उस समय उन्होंने सारे कि जो एक बार गाय खाली, एक बार जिसकी सुन्नत हो गई, जो मुसलमान बन गया वो हिंदू नहीं बन सकता, जो गधा गाय नहीं बन सकती, ऐसा कहकर के उस समय हमारे धर्म के ठेकेदारों ने मना कर दिया। लेकिन महाराजा सूरजमल बड़े हटीले थे, उन्होंने दो चार तो निकाली गालियां, वो तो अपन नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा कि हमारे ही समाज के लोग अगर मजबूरी में मुसलमान बन गए, अगर वो आज वापस आना चाह रहे हैं और हम उनको लेना चाह रहे हैं तो तुम कौन होते हो, नहीं लेने वाले कौन, तुम्हारे शास्त्र नहीं कहते होंगे, लेकिन हम तो लेंगे। उस समय दादागिरी से वो जो नोहरवार गोत्र के थे उनको वापस जाट बनाया। आज भी नोहरवार गोत्र के जो जितने भी जाट हैं, वो नोहरवार गोत्र के जो जाट हैं जो पहले मुसलमान थे हिंदू बन गए, वो अपनी बेटी, क्योंकि उस समय समाज के लोगों ने कहा कि आप बना लो जाए इनको वापस जाट, लेकिन हम बेटी व्यवहार नहीं करेंगे। तो उस समय महाराजा सूरजमल ने कहा कि हम इनकी बेटी लेंगे। तो पहली बार वो जो मुस्लिम जो जाट जो हिंदू बने थे उनकी गोत्र की जाट की बेटी को पहले महाराजा सूरजमल के परिवार में शादी हुई और वो परंपरा होने के कारण से वो सारे नोहरवार गोत्र के जाट आज हिंदू के नाते, जाट के नाते वो सब चिंता है। तो ऐसे महाराजा सूरजमल का जो काम पराक्रम, अगर महाराजा सूरजमल उस समय डर जाते, चित नहीं करते, तो ये नोहरवार गोत्र के जो जाट आज हिंदू होते क्या? तो आज ये जो जितने मुसलमान है 30 करोड़ मुसलमान, ये कौन है सब? ये सब भूतपूर्व हिंदू है। आने वाले समय में 1-2 साल में वो समय आने वाला है, वो समय आने वाला है। मैंने बताया शस्त्र के दम पर ये मुसलमान बने हैं, ये अपने नोरे खाएंगे। हिंदू समाज की हर जाति से ये मुसलमान बने, अपने हिंदू समाज का हाजमा अपने को ठीक करना है। अपने हिंदू समाज की जातियों में से इनको भी पता है कि हम कब मुसलमान बने थे, ये जो जागा भाट जो है इनको रिकॉर्ड पता है कि कब कौन सी सदी में ये बने थे, कैसे बने थे, किसके द्वारा बने थे, तलवार के दम पर बने थे, पैसे के दम पर बने थे। तो वो सब जातियों के जो बने हुए थे वो हिंदू बनने के लिए आगे आएंगे। उस समय अपने हिंदू समाज को भी उनको स्वीकार करने के लिए अपना हाजमा ठीक रखना चाहिए और पूज्य संतों को भी मेरा हाथ जोड़ करके पैर पड़ के निवेदन है कि जो मुसलमान वापस हिंदू बनना चाह रहा है उसको हिंदू बनने में पूरा योगदान, पूरा सहयोग, चाहे शास्त्रों में नहीं लिखा होगा लेकिन उनको हिंदू बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। तो ये जो लोग मुसलमान बन चुके वो किसी भी परिस्थिति में 2-3 साल 4 साल का मामला है, तो 2-3-4 साल बाद में ये स्थिति आएगी
हर हिंदू समाज, हर हिंदू जाति को उनको स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपने सब हिंदू समाज अपनी अपनी जाति के रिकॉर्ड खंगालिए, अपने हिंदू समाज अपनी अपनी जातियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, इसलिए उनको स्वीकार करने से पहले एक काम और करना पड़ेगा। अभी जो प्रथम वक्ता हमारे महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि छुआछूत हिंदू समाज में सबसे बड़ी कमजोरी छुआछूत है। जो जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, जो लव जाल करके आई थी, उसने एक बात और कही थी, उसने कि हिंदू समाज मुसलमान तो हिंदू बनने को तैयार हैं, लेकिन वो तो बाद में बनेंगे, पहले आपके जो पहले से हिंदू हैं उनको तो बराबरी का दर्जा दे दो। ये मुस्लिम लड़की कह रही है, पर उसकी बात में दम है या नहीं है? आज भी हमारा हिंदू समाज जो गाय को मानता है वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता, और जो गाय को खाता है उसको हमारी खाट पे बिठा दे। तो जो गाय को मां मानने वाला हिंदू समाज है उसको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये जो छुआछूत की समस्या है ये समाप्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मैंने चारों पांचों बातें बताई है, क्रम से चारों पांचों में बातें दोहरा करके अंत में गीत बोलता हूँ। पहली बात मैंने बताई थी, हिंदू समाज का शारीरिक जागरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूसरा, वैचारिक जागरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तीसरा, आर्थिक जागरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और चौथा, हिंदू समाज में आ गया तो उसको हिंदू समाज में उस बेटी को भी आ गया तो मैं तो संतों को भी कह रहा हूँ कि उसको बहू को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे कब को स्वीकार करना चाहिए? हिंदू समाज की कोई भी बेटी लव जिहाद की शिकार होती है तो उसको किसी भी स्थिति में वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? हिंदू समाज की कोई भी बहन बेटी अगर भी धर्मी के साथ चली गई तो उसको किसी भी परिस्थिति में साम दाम दंड भेद उसको वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? और लाने के बाद में उसको बराबरी का दर्जा भी देना, उसको अपमानित नहीं करना, उसको पुनः घर बसाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक समरसता। ये जो सामाजिक समरसता का मतलब है, ये छुआछूत और भेदभाव ये खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसलिए कुल मिलाकर के जो भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सेकुलर प्रगतिवादी, ये जो बाम से इनके चक्कर में नहीं पड़ करके हिंदू योद्धा को हिंदू सैनिक बनना चाहिए। मैं दो अमृत वचन बोलता हूँ, आप कमर सीधी करके बैठेंगे और उसको दोहराएंगे। पहला अमृत वचन है, भारत वर्ष की दुर्बलता ही विश्व अशांति का कारण है। यदि विश्व में शांति स्थापित करनी है तो भारत वर्ष को शक्तिशाली बनना ही होगा। भारत को शक्तिशाली बनाना है तो हिंदू को ही शक्तिशाली बनना होगा। परम पूजनीय श्री गुरुजी, ऐसे सावरकर जी का वाक्य, सावरकर जी ने उस समय बोला था, वो वाक्य आज भी प्रासंगिक है। बोलेंगे एक बार, संगठित हिंदू युवा शक्ति का, मैं जो बोल रहा हूं प्रत्येक वाक्य को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। संगठित हिंदू युवा शक्ति का सैनिकीकरण इस राष्ट्र की अखंडता के लिए आवश्यक है। इस कार्य के लिए जो साथ देंगे उन्हें साथ लेकर चलेंगे, जो साथ नहीं देंगे उन्हें छोड़कर चलेंगे, और जो मार्ग में बाधक बनेंगे, ये जो और जो मार्ग में बाधक बनेंगे, ये थोड़ा मुष्टि का कस करके और गुस्से में चुनौती रूप में बोलना है, और जो मार्ग में बाधक बनेंगे उन्हें ठोकर मारकर चलेंगे, क्योंकि निरंतर चलना ही हमारी नियति है।
जय हो। एक मैं गीत पूरा करके गीत करवाता हूँ। मिट जाना ओए मिट जाना, मिट जाना मेरे वीर वतन पर मिट जाना। ये पीछे वाले बोलने में आवाज नहीं आ रही। मिट जाना मेरे वीर वतन पर मिट जाना, कटा हकीकत आरे से, कटा हकीकत आरे से, तेज नुकीले धारे से, निकले न मुंह से आह वतन पर मिट जाना, निकली न मुंह से आह वतन पर मिट जाना, मिट जाना मेरे वीर वतन पर मिट जाना, मिट जाना मेरे वीर वतन पर मिट जाना। एक था बंदा वीर बैरागी, एक था बंदा वीर बैरागी, वतन की खातिर तपस्या त्यागी, वतन के खातिर तपस्या त्यागी, चुन चुन दे दिया मांस वतन पर मिट जाना, मिट जाना, मिट जाना मेरे वीर वतन पर मिट जाना। लक्ष्मी थी झांसी की रानी, लक्ष्मी थी झांसी की रानी, निकली थी पर हार न मानी, निकली थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार वतन पर मिट जाना, चमक उठी तलवार वतन पर मिट जाना, मिट जाना मेरे वीर वतन पर मिट जाना, मिट जाना मेरे वीर वतन पर मिट जाना। गुरु पुत्र दीवार में चुन दिए, वीर पुत्र दीवार में चुन दिए, बिना खिले दो फूल कुचल दिए, बिना खिले दो फूल कुचल दिए, इसी धर्म के काज वतन पर मिट जाना, इसी धर्म के काज वतन पर मिट जाना। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय बजरंगी जय हनुमान। आप बोलना वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम, जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम। लाहौर में भी आवाज सुनाई देनी चाहिए। मैं बोलूंगा जहां हुए बलिदान भगत सिंह बोलना, वो लाहौर हमारा है। जहां हुए बलिदान भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है। जहां हुए बलिदान भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है। उस कोने में आवाज कम आ रही है। जहां हुए बलिदान भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है। भारत माता की जय। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र के बिना राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती, ऐसे कहा माननीय भाई साहब ने। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आखिरी वक्ता और अपने